अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके ही इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लिम्फ नोड के सूजन के बारे में, जिसे हम कहते हैं लिम्फेडेनोपैथी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लिम्फ नोड के सूजन के बारे में। लिम्फ नोड में जो सूजन आती है उसका कारण क्या क्या है, उसके जो है लक्षण क्या क्या हैं और इसका जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो कौन सा है। तो प्लीज़ आप लोग इस मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि मैं आपको जो है लिम्फ नोड की सूजन के बारे में डिटेल में बता सकूं। तो लिम्फेडेनोपैथी होता क्या है? लिम्फेडेनोपैथी एक तरह से जो हमारे शरीर के ऊपर छोटी सी गांठ आ जाती है, यानी कि कभी वो साइज में छोटी होती है कभी बड़ी होती है। तो नॉर्मली जो गांठ आ जाती है और एक गांठ जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में आ सकती है, क्योंकि लिम्फ नोड हमारे शरीर के काफ़ी सारे हिस्सों में है। कुछ जो है आपको जो है सर्वाइकल रीजन में मिल जाएंगे, कुछ एक्जिलरी रीजन जो आर्मपिट के अंदर ग्रॉइन रीजन पे भी मिल जाएंगे, कुछ जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो कि बाहर से पल्पेबल नहीं होते हैं, तो उसको जो है सोनोग्राफी या सीटी स्कैन वगैरह से ही पता लगता है कि कौन से लिम्फ नोड में सूजन है। लेकिन जो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स होते हैं जो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं वो होता है सर्वाइकल और आर्मपिट और इंगुलर रीजन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जो है लिम्फ नोड होता क्या है उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। लिम्फ नोड जो है हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बाहर की जो वायरस बैक्टीरिया से जो लड़ने की ताकत के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म बना हुआ है वो लिम्फ नोड उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लिम्फ नोड होता क्या है? लिम्फ नोड जो है आपके बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, जो कि फ्लूइड जो है एक न्यूट्रिएंट कैरी करता है और उसके साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो कि टिश्यू और ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकलने के बाद वो लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, और जब वो लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं तो वो लिम्फेटिक सिस्टम से पास होते हुए वो लिम्फ नोड तक जब पहुंचते हैं तो उसके अंदर से वो पास ऑन होता है, यानी कि उसके अंदर से गुजरते हैं, और जब वो गुजरते हैं तो वहां पर होता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब कि वहां पर उसको जो होता है छानना चालू हो जाता है और उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि वायरस बैक्टीरिया जो भी रहेंगे तो वो वहां से फिल्टर होते हुए वहां पर फिल्टर हो जाते हैं और लिम्फेटिक क्लियर लिम्फेटिक फ्लूइड जो है पास ऑन होते हुए आगे जाता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है और जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पर रह गया है, जो भी वायरस बैक्टीरिया रह गया है, तो उसको मारने के लिए जो है हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट होते हैं वो वहाँ पर टारगेट करते हैं, वहाँ पर अटैक करते हैं और उस वायरस और बैक्टीरिया को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये होता है लिम्फ नोड का काम। अब हम आ जाते हैं लिम्फेडेनोपैथी के कारण क्या क्या हैं। लिम्फेडेनोपैथी के कारण जो है मैं आपको हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें जो पहला हिस्सा जो होता है हमारा सर्वाइकल लिम्फ नोड, यानी कि जो लिम्फ नोड जो हमारे नेक के यहाँ के हिस्से पे होते हैं उसके स्पेशली कारण क्या होते हैं। तो जो भी लिम्फ नोड अगर यहाँ पर सूज जाते हैं, जो कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है लिम्फ नोड में सूजन का होना, तो वहाँ का मेन कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन सबसे पहला कारण होता है और इन्फेक्शन में भी पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन, जो कि सर्दी खांसी जुकाम वगैरह की या थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से जो होता है। बैक्टीरियल एक कारण होता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया है और उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है लिम्फ नोड वगैरह सूज जाते हैं। तीसरा कारण होता है जैसे कि HIV या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी जो है जो लिम्फ नोड वगैरह काफ़ी सूज जाते हैं, लेकिन उसकी सूजन काफ़ी ज़्यादा होती है और उसमें पेशेंट को जो है फीवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। मैलिग्नेंसी, जैसे नेक के एरिया में कोई मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर की बीमारी है तो उसकी वजह से जो है लिम्फ नोड वगैरह में सर्वाइकल रीजन में सूजन आ जाती है। आ जाते हैं आर्मपिट, यानी कि जो हमारे एक्सिलरी रीजन में जो लिम्फ नोड वगैरह सूजते हैं उसके बारे में, उसके क्या क्या कारण हैं। उसके भी कारण जो है नॉर्मली इन्फेक्शियस ही होता है। पहला तो इन्फेक्शन कारण होता है कि वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड सूज जाता है। दूसरा कारण होता है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कैंसर। कैंसर मतलब अगर ब्रेस्ट का टाइप का ब्रेस्ट में कहीं कैंसर है तो उसकी वजह से जो है लिम्फ नोड वगैरह वहाँ के सूज जाते हैं। तीसरा होता है इंगुइनल रीजन। इंगुइनल रीजन में जो भी लिम्फ नोड सूजता है तो उसका भी पहला कारण इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर आपके पैर में कहीं इन्फेक्शन हो गया है, फोड़ी आ गई है, फुंसी आ गई है, तो उसकी वजह से भी जो है लिम्फ नोड सूज जाता है। कभी इंजरी हो जाती है पैर में तो उसकी वजह से भी जो है लिम्फ नोड वहाँ के सूज जाती है। तीसरा है
कि अगर आपके स्क्रोटल यानी कि जो प्राइवेट हिस्सा होता है वहां पे कहीं कैंसर है, या कहीं अबडोमिनल रीजन पे, लोअर अबडोमिनल रीजन पे कहीं कैंसर की गांठ वगैरह है अंदरूनी हिस्से में, तो उसकी वजह से जो है लिम्फ नोड वहां की सूज जाती है। इसमें कुछ कॉमन कारण है जो कि लिम्फ नोड सूजन में दिखाई देता है। तो इसमें जो पहला कॉमन कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है सर्दी वगैरह की वजह से जो लिम्फ नोड में सूजन आती है उसकी वजह से। दूसरा होता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल का मतलब होता है कि वहां पर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड में सूजन आ जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉन्सिल का इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसकी वजह से जो है थ्रोट नेक के बाहरी हिस्से में गांठे वगैरह आ जाती हैं। तीसरा कारण होता है एचआईवी या टूबोक्लोसिस। एचआईवी की वजह से मोस्टली टूबोक्लोसिस होता है, टीबी की बीमारी होती है जिसकी वजह से जो है लिम्फ नोड भी सूज जाती है। मोस्टली जो टूबोक्लोसिस में लिम्फ नोड सूजती है वो मोस्टली बाहर की ही होती है, सुपरफिशियल। कभी कभी बहुत सारे केसेस में अंदरूनी जो लिम्फ नोड्स होती है जो हमारे डीपर ऑर्गन्स में होती है तो उसकी वजह से तो उनमें भी जो है सूजन दिखाई देती है। महत्वपूर्ण कारण है वो है मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर की वजह से। कैंसर बहुत टाइप के कैंसर होता है, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, खून का जो कैंसर होता है वो हो गया, दूसरा हो गया लिम्फोमा जो कि बहुत ही कॉमन होता है जिसमें लिम्फ नोड में सूजन वगैरह आती है, ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, सर्वाइकल रीजन का बहुत सारे जैसे थ्रोट का कैंसर हो गया, या फिर आपके जो है लैरिंग्स का कैंसर हो गया, टंग का कैंसर हो गया, माउथ का कैंसर हो गया, या फिर टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, ऐसे ही बहुत टाइप के कैंसर होता है जिसमें जो होता है लिम्फ नोड में सूजन आती है। इसमें जो है लिम्फ नोड में सूजन काफी ज्यादा कॉमन होता है और उसका जो कॉमन कारण होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये थे कुछ कारण जो कि लिम्फ नोड की सूजन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब है इसके लक्षण क्या क्या है यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जो नॉन कैंसरस लिम्फेडेनोपैथी होती है और जो कैंसरस लिम्फेडेनोपैथी होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या क्या होता है। नॉन कैंसरस जो लिम्फेडेनोपैथी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंडर होती है यानी कि काफ़ी ज़्यादा सूजी हुई होती है और उसको छूने से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो मोस्टली मूवेबल होती है यानी कि जो होता है मूव करती है, आप उसे हिला सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको मूव होते हुए दिखाई देगी अगर आप उसे मूव करने की कोशिश करो। कैंसरस में नहीं होता है। कैंसर की जितनी भी लिम्फ नोड होती हैं वो नॉर्मली जो होता है फिक्स्ड होती है यानी कि वो मूव नहीं हो पाती और मोस्टली वो नॉन टेंडर होती है यानी कि उनमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है और उनका जो शेप होगा आपको इरेगुलर दिखाई देगा। डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो गांठ है कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, पहले तो जो नॉन कैंसरस यानी कि जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जो गांठें बनती है, पहला तो पेशेंट के अंदर जो होता है गांठ आपको दिखाई देगा लोकलाइज रीजन पे, जहाँ पे अगर थ्रोट के अगर इन्फेक्शन है तो यहाँ पर दिखाई देगा, अगर पैर में इन्फेक्शन है तो एंगुलर रीजन पे दिखाई देगा, अगर छाती के ऊपर इन्फेक्शन या हाथ के ऊपर इन्फेक्शन है तो आपको एक्जिला में दिखाई देगा। तो ये जो होता है कहाँ पर आपको इन्फेक्शन है तो उस लोकलाइज रीजन पे जो होता है आपको लिम्फ नोड दिखाई देते हैं। पता है कि पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होता है, दर्द काफी ज्यादा होता है, उसके साथ में पेशेंट को बुखार का आना यानी कि बुखार काफी ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स में, और इससे ज्यादा और ज्यादा कोई सिम्टम्स होते नहीं है, नॉर्मली बुखार और दर्द, और ये गांठें जो होती है काफी ज्यादा टेंडर होती है यानी कि छूने से इनमें काफी ज्यादा दर्द होता है। दूसरे की जो गांठें होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं और वो मूवेबल नहीं होती है और उनकी जो मार्जिन होती है वो काफ़ी इरेगुलर होती है, तो वो गांठे में नॉर्मली वेट लॉस वगैरह होगा यानी कि शरीर का जो है वजन कम हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगा, और उसके साथ में जिस टाइप जहां पर जिसकी वजह से जो गांठ बनी है उसको देखना, रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे केसेस में जो होता है वो लिम्फ नोड की बायोप्सी करके ही कंफर्म किया जा सकता है कि ये कैंसर वाली गांठ है या नहीं है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें मैं कुछ दवा यूज करता हूँ और वो काफी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिलहाल तो मैं आपको जो है इसमें ट्रीटमेंट जो बता रहा हूँ वो नॉन कैंसर यानी बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए बता रहा हूँ। कैंसरस के लिए मैं आने वाले अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्क्राइब में बताऊंगा। फिलहाल जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था वो था नॉन कैंसर यानी कि जो इन्फेक्शन की वजह से जो भी गांठें बनती हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है इस वीडियो में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ दवा मैं यूज करता हूँ, उसके काफी अच्छे रिजल्ट हुए हैं। तो इसमें जो पहली दवा है वो है कैल्कीरिया फ्लोर। कैल्कीरिया फ्लोर को आपको यूज करना होता है 3x पोटेंसी में, दो गोली सुबह दो गोली शाम को आप लें और इसको तकरीबन जो है
एक महीना आप लीजिए, 15 दिन से एक महीने के लिए, काफी अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे उसके। और उसके साथ में आपको लेना होता है कॉनियम मैक 30 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और इसके साथ में एक और दवाई है, वो है मर्क्यूरियस 30 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और ये तीनों दवा को आपको यूज करना है कम से कम एक महीने के लिए। आपकी जो लिम्फ नोड में सूजन है उसमें काफी ज्यादा हद तक आपको आराम पड़ जाएगा। अगर वहां पे दर्द वगैरह आपको एहसास होता है तो आप जो है इसके लिए बेलाडोना 30 पोटेंसी साथ में ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को। तो दोस्तों ये था वीडियो लिम्फ नोड के ऊपर। तो आप बताइए आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।